हेलो टॉरस, या जिसे हम कहते हैं वृषभ राशि, कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए? सबसे पहली चीज़ आप लोग का हेल्थ। बट बिफोर मैं रीडिंग स्टार्ट कर लूँ, कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आप लोग को बता दूँ। कमेंट बॉक्स में जितने भी आप लोग को मैसेजेस आते हैं कि इजी वास्तु का नंबर लिखा होता है, मुझे कॉल करो, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो फॉर अ कंसल्टेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ कंसल्टेशन। सेकेंड नंबर भी होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए है, तो क्रिस्टल्स इन्फॉर्मेशन, जेम स्टोन्स की इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर फॉलो कर सकते हो। अब ये वीडियो है ऑन बेस्ड ऑन चंद्र राशि। अगर आपको आपके चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप अपने जोडियक साइन से देख लो या अपनी नाम राशि से भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसी आपकी मान्यता मन में, जो भी राशि से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो देख सकते हो, बट ये मैं जो बना रही हूँ वीडियो चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। शनि की साढ़े सती के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जाकर आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो तो। अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि भैया कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। टॉरस, पहले आपकी हेल्थ के बारे में अगर बता दूँ, आपके ग्रह के, अपने राशि के मालिक जो शुक्रदेव हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं आपकी राशि में, जो कि शुभ है, अच्छी प्लेसमेंट है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत काम करोगे, एनर्जेटिक रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, मन से करेगा मुझे ये काम करना है, वो करना है, साहस रहेगा, मेहनत करने का मन रहेगा, तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक, गोल ओरिएंटेड आप रहने वाले हो। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो ये है कि आपके लिए थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा, बीपी का इशू अगर प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा, डाइट अच्छी रखिएगा, इन चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर देना है यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं अगर आगे बात करूँ, तो आपके घर परिवार में और आपके एजुकेशन में, ये जो एक सेक्टर बना हुआ है ना, यहाँ पर ऐसा होगा 7 फरवरी तक चीज़ें अच्छी हैं। 7 फरवरी के बाद में आपके एजुकेशन में अननेसेसरी, अनवांटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, आपका फोकस नहीं लगेगा, आप करना चाहते हो बट मेहनत पुश बहुत लगाना पड़ेगा, तो ये प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन तभी भी मैं कहूँगी कि लाइफ में जब भी आपके बुध देव यहाँ से हटकर आगे जब बढ़ेंगे, तो ये आपकी लाइफ में 7 फरवरी से लेके कम से कम 15 फरवरी तक थोड़ा सा इम्पैक्ट कमज़ोर कर देंगे, लेकिन फिर बड़ा अच्छा कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आगे बढ़कर आपके 9th हाउस में ही जाएंगे, तो बेहतर तो कर देंगे, लेकिन तब भी थोड़ा सा ये जो आगे पीछे प्लैनेट्स होंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव ये रहेगा, बट देन आगे फिर आपके समझ लो मिड मिड फरवरी के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए बड़ी अच्छी हैं, शुभ मानी जाएंगे और पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप जाने तो 15 फरवरी के बाद में एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा टाइम है, आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोग को पूरी तरीके से, बुध के रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएंगे और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आपके घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है। ये जो अनबन रहने का पीरियड होगा, ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 7-10 दिन तक रहेगा, उसके बाद में आगे और ठीक हो जाएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर ब्रेकअप चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो ये भी आपकी समझ लो 10 फरवरी के बाद में, 10 फरवरी के बाद में हीलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक होना शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगी, बातचीत आगे बढ़ जाएगी, सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं बुध का जो 7 फरवरी को गोचर होगा, वो टॉरस राशि वालों के लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा। सिर्फ बीच के कुछ दिन है, स्टार्टिंग के कुछ दिन है, जो मैंने आपको बताया, थोड़े बहुत आगे पीछे या उतने रिजल्ट सही ना मिले, क्योंकि जब एक ग्रह बदलता है तो उसको रिजल्ट दिखाने में भी समय लगता है, टाइम लगता है, बट देन धीरे धीरे जब वो अपनी राइट पोजिशन पर पहुँच जाते हैं, राइट डिग्री पर पहुँच जाते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी अब चीज़ ये है कि मैरिड लाइफ में मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है। देखो, अपने टॉरस राशि वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगी, खुद के ऊपर और अपने पार्टनर के गुस्से के ऊपर ही आपने मेन कंट्रोल रखना है। अननेसेसरी ताने मत मारना, फाइट मत करना, गुस्सा बहुत थोड़ा प्रभाव रहेगा, मंगल की दृष्टि है, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके सातवें भाव को स्ट्रांग भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर के करियर में भी ग्रोथ देखने मिलेगी, आपके पार्टनर के भी काम बनेंगे, पॉजिटिविटी उनको मिलेगी और अच्छा माना जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी पूरी राशि में जो शुक्रदेव है, वो कहीं ना कहीं शनि के साथ जाकर बैठे हुए हैं,
तो यहाँ पर ना आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि जितना मेच्योरिटी से आप अपनी लव लाइफ को हैंडल करोगे, जितना मेच्योरिटी से आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे, उतना जो छोटी मोटी फाइट एंड इश्यूज होंगे बिना वो समझो, अगर 4 घंटे की लड़ाई है तो वो 20 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये मेच्योरिटी से आपको चलना होगा, बिकॉज दोनों पार्टीज, पहली चीज़ तो आप भी और आपके पार्टनर भी बड़े वर्कोहॉलिक रहने वाले हो टॉरस राशि वालों, इस महीने फेब्रुअरी मंथ में दोनों को रहेगा भाई मुझे ये अचीव करना है वो करना है, तो बड़ा गोल ओरिएंटेड रहोगे। ऑफ कोर्स आगे अगर हम बढ़ते, बट ऑल ओवर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ इन फेब्रुअरी इज़ गुड, फिर भी बेहतर न्यूट्रल पोजिशन पे चल रही है, अच्छा माना जाएगा। भाग्य की अगर मैं बात कर लेती तो भाग्य के मालिक आपके बनते हैं 9th हाउस के शनिदेव। शनिदेव जाकर बैठ चुके हैं 10th हाउस में इन दी एक्वेरियस साइन। बहुत ही शुभ और अच्छी प्लेसमेंट है फेब्रुअरी मंथ में, डेफिनेटली आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी ट्रांजिशन, या समझ लो जो भी आप काम कर रहे हो उसका धीरे 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 आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको उसकी वाहवाही मिलेगी, या समझ लो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही, या काम एक न्यूट्रल रूप में सही सलामत आप लोग का चलेगा, अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। उसी के साथ साथ शुक्रदेव भी 10th हाउस में आकर बैठ गए। अभी एक ऐसी पोजीशन बन चुकी है ना कि जहाँ पर अगर आप अपने जीवन में, क्योंकि 4th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई घर गाड़ी लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फेब्रुअरी मंथ में, कुछ परचेज करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, ज़रूर कर सकते हो, शुभ माना जाएगा, अच्छा रिजल्ट देखने मिलेंगे, आगे बढ़ सकते हो। तो करियर में, व्यापार में, बिजनेस में, अच्छा, जब व्यापार के हिसाब से भी अगर मैं बता दूं तो ये 10 7 फेब्रुअरी के बाद ही आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा, तो 7 से 10 के बीच में वो चेंजेस शुरू हो जाएंगे, तो मोटा मोटा 10 फेब्रुअरी के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट, आपके व्यापार में भी भाग्य उदय, ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली जो लोग कोई भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में है, फूड इंडस्ट्री में है, कोई भी क्रिएटिव लाइन में है, आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। शुक्र और शनि की टॉरस राशि वालों के लिए कंजंक्शन हो रहा है, तो बहुत ही शुभ और अच्छा प्लेसमेंट है ये। वहीं साथ ही साथ आपके जीवन में लाभ भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में गुरु पाइसेस में है, शनिदेव एक्वेरियस में है, अपनी अपनी राशियों में बैठे हुए हैं लाभ और खरभ। जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, मेहनत में बस कमी मत रखना, मेहनत में, क्योंकि देखो इस फेब्रुअरी मंथ में टॉरस राशि वाले खूब मेहनत वैसे ही करने वाले, क्योंकि समझ लो आप खुद उठकर बैठ गए हो ऑफिस में जाकर दिन और रात, तो बस काम ही काम करना, तो ऐसा आपका वीनस जो प्लैनेट 10th हाउस में आके बैठ गया करम हाउस में, तो काम ही काम है, बस काम ही करना है, दिमाग चलेगा भाई कैसे बढ़ाए काम, काम को कैसे ग्रो करें। तो लव रोमांस में भी ये चीज़ ध्यान रखना कि आप भी और आपके पार्टनर दोनों का ध्यान काम पे ज़्यादा रहेगा, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट जितनी करोगे उतना अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। ऑल ओवर करियर के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्टेड और रेजोनेट हो पाए हैं। विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।